गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं आज हमारा पार्ट वन नौ शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है साक्षी पहुंची चांद पर। इस पार्ट में एक बच्ची है जिसका नाम है साक्षी। वो जो है रोजाना जो है अपनी माँ से कहानियां सुनती थी। तो इस पार्ट में जो है हमें चंद्रमा के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। और जो है साक्षी की जो माँ है वो जो है साक्षी को जो है चांद तारों की कहानी जो है सुना रही है। और साक्षी जो है चांद तारों की कहानी सुनते सुनते जो है माँ के गोद में जो है सो गई है। और जो है सोने के बाद जो है वो सपना देखती है कि वो जो है चांद पर पहुंच गई है और चांद जो है उससे बातें कर रहा है। ये जो है इस पार्ट के अंदर बताया गया है। और जो है आंख खुलने पर जो है साक्षी को जो है पता लगता है कि ये जो है उसका सपना था। और उसने वो जो सपना है अपनी माँ को बताया है। और उसकी माँ ने कहा है कि अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा सपना जरूर सच होगा, ऐसा जो है उसकी माँ ने इस पार्ट में उससे कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट साक्षी पहुंची चांद पर। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहां माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटी अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। देखिए हमने अभी सुना कि जो है साक्षी जो है उससे क्या है कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत पसंद था उसे कहानी सुनना। और रोजाना वो सोने से पहले जो है एक कहानी सुनती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो है खिड़की के पास खड़ी थी और खिड़की से जो है चांद को देख रही थी। अब चांद को जब देख रही थी तो जो है वो चांद को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई है, खुश हुई है। तभी जो है उसकी जो माँ है साक्षी की, वो वहां पर आई है और बोली साक्षी से, उन्होंने कहा कि साक्षी बेटा बहुत देर हो गई है, अब तुम सो जाओ, ऐसा जो है उसकी माँ ने कहा है। अब आगे देखिए, साक्षी बोली, नहीं माँ अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी, देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। माँ बोली, हाँ बेटी आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रूपाला दिखाई दे रहा है। देखिए साक्षी जो है माँ से कह रही है, नहीं माँ अभी थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी, देखो चांद कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल गोल और चमकीला दिख रहा है, ऐसा जो है साक्षी अपनी माँ से कह रही है। तो साक्षी की माँ जो है वो बता रही है कि सही बात है, आज क्या है पूर्णमासी है, मतलब क्या है पूर्णिमा जो होता है ना, पूर्णिमा का चांद था वो, तो जो है आज पूर्णमासी है। और पूर्णमासी के दिन चांद कैसा होता है, चांद पूरा गोल होता है और रूपहरा दिखाई देता है, यानी चमकीला दिखाई देता है ना। तो आगे देखिए, साक्षी ने कहा, हाँ माँ आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया था, मुझे बहुत मजा आया, माँ मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, हाँ हाँ बेटी यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो अवश्य ही अपने इरादे में सफल हो जाओगी। अब देखिए साक्षी ने जो है उसकी माँ से कहा कि माँ मैंने भी क्या है, हमारी जो अध्यापिका है, जो हमारी शिक्षिका है, उन्होंने जो हमारे हमें जो चांद के बारे में बताया था वो सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, और जो है मैं भी, मेरी इच्छा है कि मैं भी क्या चांद पर जाऊं, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ, ऐसा जो है उसने अपनी माँ से कहा। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा तुम जरूर ही चांद पर जाओगी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम क्या जरूर चांद पर जाओगी, जरूर तुम अपने इरादे में सफल होगी, ऐसा जो है उसकी माँ ने उससे कहा है। आगे देखिए, सच माँ, साक्षी ने उत्साह से पूछा। हाँ हाँ क्यों नहीं, माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अब देखिए साक्षी ने जो है
बहुत ही उत्सुकता से माँ से पूछा कि आज सच में मेरा सपना पूरा हो रहा है, क्या मैं सच में चांद पर जा सकूंगी, ऐसा जो है उसने सवाल किया इसके माँ से। और उसकी माँ ने जो है उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि हाँ हाँ तुम अगर मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा सपना जो है जरूर सच होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है हमें साक्षी और उसकी माँ दिखाई दे रही है इस चित्र में, और ये जो चांद यहाँ पर पूर्णमासी का जो चांद है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी भी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल पीले और नीले। तभी उसकी बाहों से कोई चीज आकर टकराई। साक्षी ने देखा कि वह एक विशेष पोशाक थी जिसे चंद्र यात्री पहनते हैं। उसने जल्दी से वह पोशाक पहन ली। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था, उसमें से एक सीढ़ी निकली तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। तभी यान में जोर से आवाज हुई घर घर, और यान जो है चांद की ओर उड़ने लगा। अब देखिए साक्षी जो है खुशी खुशी जो है माँ की गोद में सर रखकर लेट गई है, और उसने जो है बहुत देर तक माँ से जो है चांद और सितारों की कहानी सुनी। और कहानी सुनते सुनते क्या हुआ, अचानक उसे नींद आ गई। अब वो जो है नींद आने के बाद जो है वो सपनों में खो गई है। अब देखिए सपनों की दुनिया में वो खो गई है, और उसके सामने जो है कई जो है रंग के दायरे बनने लगे। अब देखिए लाल पीले नीले जैसे रंग उसे दिखने लगे, और उसकी बाहों से यानी क्या उसके जो बाजू होते हैं हाथ के, उससे आकर कोई चीज टकराई। तो साक्षी ने उसे देखा तो वो क्या है, वो एक विशेष पोशाक थी। कि कौन सी पोशाक थी, जी हाँ वो ऐसी पोशाक थी जिसे चंद्र यात्री पहनते हैं। वो पोशाक उसके हाथ से आकर टकराई, और उसके बाद उसने वो जल्दी जल्दी वो पोशाक पहन लिए। और बाद में जो है उस वहां पर पास ही एक चंद्रयान, यानी देखिए ये चंद्रयान है, चंद्रयान वहां पर खड़ा था। जो तो क्या है, साक्षी ने उसमें से एक सीढ़ी निकलती भी देखी, और उस सीढ़ी के जरिए जो है उसने उस चंद्रयान में क्या है प्रवेश किया है। तभी चंद्रयान जो है जोर जोर से चंद्रयान के अंदर क्या है आवाज आ रही है घर घर, यानी क्या है वो चंद्रयान जो है शुरू हो गया है, और वो चंद्रयान जो है चांद की ओर उड़ने लगा है। अब यहां तक हमने देखा, इस पाठ में आए हुए नए शब्द देखिए, निहारना यानी टक लगाकर देखना, प्रसन्न यानी खुश, रूपहला यानी चमकीला, चांदी के रंग का, अवश्य यानी जरूर, उत्साह यानी जोश, दायरा यानी क्या गोल घेरा या वृत्त, विशेष यानी खास, चंद्रयान यानी चांद पर जाने का जाने वाला जहाज, प्रवेश यानी अंदर जाना। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।